और राइट, सो हाई गाइस, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट के बारे में, एसी सब्जेक्ट के बारे में, वीएसी सब्जेक्ट के बारे में और एईसी सब्जेक्ट के बारे में। तो काफ़ी बच्चों के ऑलरेडी कमेंट्स आ चुके हैं कि भैया ये क्या सब्जेक्ट्स हैं, हमें कैसे चूज़ करना है, हमारे पास फॉर्म्स भी आ चुके हैं, हमें फिल करना है, हमें कुछ आइडिया नहीं है। इसके बारे में बात करने वाले हैं कि क्या क्या पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स होते हैं एंड क्या क्या इनकी वैल्यू होती है आपके कोर्स के अंदर और किस तरह से आपको सिलेक्शन करनी है। तो विदाउट एनी फर्दर एडो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। एंड अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ फटाफट से जाओ सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करो, ठीक है। तो सबसे पहले बढ़ते हैं जर्नी के इलेक्टिव सब्जेक्ट। जर्नी के इलेक्टिव सब्जेक्ट बेसिकली वो होते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने किसी पर्टिकुलर कोर्स को चूज़ किया है, आप मान लो कि आप साइंस स्ट्रीम से कॉमर्स की स्ट्रीम में जा रहे हो या फिर आर्ट्स की स्ट्रीम से कॉमर्स में जा रहे हो या फिर कुछ ऐसा सब्जेक्ट आपको इंटरेस्ट है पढ़ने का बट उसमें आप मास्टर्स नहीं करना चाहते, राइट, या फिर उसमें आप पूरा कोर्स नहीं करना चाहते अपने ग्रेजुएशन का। फॉर एग्जांपल आपने कॉमर्स उठाई, ठीक है, बट आपका इंटरेस्ट था फिजिक्स में, तो आप अपना एज ए जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट वो फिजिक्स को चूज़ कर सकते हो, राइट, बिकॉज साइंस बैकग्राउंड से हो आप, कोर्सेज तो कॉमर्स वाले पढ़ाई जाएंगे, क्लासेस आपकी कॉमर्स की लगेगी, बट स्टिल आपको एक ऑप्शन देती है दिल्ली यूनिवर्सिटी कि अगर आपका किसी डिफरेंट सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो आप वो साइड बाई साइड एक सब्जेक्ट परसू कर सकते हो। आपको मल्टीपल ऑप्शन दिए जाते हैं, कुछ कॉलेजेस में बाई डिफॉल्ट आपको लोड कर दिए जाते हैं, ठीक है, जिसके अंदर स्ट्रेंथ कम होती है स्टूडेंट्स की तो वहाँ पर ज़्यादा ऑप्शंस नहीं प्रोवाइड किए जाते, वहाँ पर दो तीन ऑप्शंस दिए जाते हैं, बट जिस कॉलेजेस में स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है बच्चों की तो वहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं, राइट। जैसे कि अगर आपको इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है, राइट, आप बी कॉम ऑनर्स कर रहे हो बट इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है तो आपको इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट ऑफर कर दिए जाते हैं, पोल साइंस का सब्जेक्ट ऑफर कर दिया जाता है, हिस्ट्री का सब्जेक्ट ऑफर कर दिया जाता है, मैथ्स का सब्जेक्ट ऑफर कर दिया जाता है एज ए जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट, तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। और ये 4 सेमेस्टर तक चलते हैं जर्नी के इलेक्टिव सब्जेक्ट, यानी कि 2 साल तक, ठीक है। और अगर आप 2 साल लगातार सेम सब्जेक्ट में कर लेते हो अपनी जर्नी के इलेक्टिव तो आप उस सब्जेक्ट में मास्टर्स भी कर सकते हो, तो दैट इज़ गोइंग टू बी द बेनिफिट ऑफ जर्नी के इलेक्टिव सब्जेक्ट, राइट। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है जर्नी के इलेक्टिव सब्जेक्ट की, मतलब आप फर्स्ट सेमेस्टर में वही सब्जेक्ट चूज़ करो जो आप अगले 3 सेमेस्टर भी पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में जो चूज़ किया वो आप चेंज नहीं कर सकते, डेफिनेटली चेंज कर सकते हो सेकेंड सेमेस्टर में, बट फिर वो है कि आप मास्टर नहीं कर पाओगे उस सब्जेक्ट में, ठीक है। तो ऑलवेज मेक श्योर कि डे वन से ही वैसे सब्जेक्ट चूज़ करो जो आप 4 सेमेस्टर तक पढ़ सको ताकि आगे भी आपको बेनिफिट मिल जाए, ठीक है। उसके बाद आते हैं एस सी सी सब्जेक्ट, ये स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज वाले सब्जेक्ट्स होते हैं एस सी सी, ठीक है। तो बेसिकली ये आपके मतलब वही स्किल्स पे फोकस किए जाते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो गए, ठीक है, पर्सनल फाइनेंस जैसे कोर्सेज हो गए, इसमें भी आपको मल्टीपल ऑप्शन दिए जाते हैं, तो आप इनका एक बार सिलेबस चेक करो, वेबसाइट पर आपको सिलेबस मिल जाएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको अगर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लगता है कि हाँ मेरे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो उनको सिलेक्ट कर लो, ठीक है। सिर्फ नाम पे मत जाओ कि डिजिटल मार्केटिंग सुनने में अच्छा है तो ले लेते हैं, राइट, और पर्सनल फाइनेंस सुनने में अच्छा तो ले लेते हैं, नहीं, पहले जाकर सिलेबस चेक करो, अगर सिलेबस में आपको लगता है कि हाँ मैं ये सिलेबस कर पाऊंगा देन गो एंड चूज दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद आपका जाता है एईसी सब्जेक्ट, यानी कि एबिलिटी एनहांसमेंट। एबिलिटी एनहांसमेंट में आई गेस और एक वैल्यू एडेड कोर्सेज आ जाते हैं बीएससी, ठीक है। तो इसके अंदर आपके वो सब्जेक्ट्स आ जाते हैं मतलब जो थोड़ा एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, जैसे योगा हो गया, एथलेटिक्स हो गया, ठीक है, मतलब कि थोड़े आपके एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, मतलब जो आपके मेजर कोर्स से रिलेटेड नहीं होते बट एक्स्ट्रा सब्जेक्ट इसलिए लगाए जाते हैं ताकि आपको थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज और मिल सके। एंड ये सब्जेक्ट ईजी होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, मतलब हार्डली 2 या 3 दिन देने पड़ते हैं एंड इसके अंदर आपके सिलेबस की प्रिपरेशन हो जाती है। अगर पूरे साल भी कुछ नहीं पढ़ा, पूरे सेमेस्टर भी कुछ नहीं पढ़ा तो 2-3 दिन के अंदर आपका सिलेबस कोर्स कवर हो जाता है और इसके अंदर ज़्यादा आप खुद ही बना के लिखते हो तो बेसिक जनरल नॉलेज वाले सब्जेक्ट हो गए, मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ, ठीक है। तो इसमें भी आपको मल्टीपल ऑप्शन दिए जाते हैं तो जिसमें भी आपको इंटरेस्ट हो वो जाओ, बट उससे पहले सिलेबस जरूर चेक कर लो। आई होप कि आपको आइडिया लग गया होगा कि जी कैसे सेलेक्ट करना है, एसएससी कैसे सेलेक्ट करना है, वीएससी कैसे करना है एंड एईसी कैसे करना है। तो बेसिकली आपके इंटरेस्ट पे फोकस करते हैं और जी के अंदर सबसे बेस्ट चीज़ है कि अगर आप 4 सेमेस्टर सेम कोर्स परस्यू करते हो, सेम सब्जेक्ट परस्यू करते हो तो आप उसमें मास्टर्स कर सकते हो। तो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है वीडियो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ एंड और कौन सी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, डेफिनेटली उनकी वीडियोज आएगी। तब तक के लिए आप शेयर करो चैनल को एंड अगर 16 अगस्त का आ रहे तो कमेंट बॉक्स में बताओ, डेफिनेटली आपसे मिलना चाहूँगा मैं शहीद भगत सिंह कॉलेज में। टिल देन दिस इज तुषार साइनिंग ऑफ, सारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे, आप जाकर चेकअप कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो इंस्टा पे, डी यू बस को इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो एंड लिंक्डइन पे भी कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।